अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है जिब्रान अहमद और आप मेरा चैनल देख रहे हैं बिग बर्ड्स लवर्स। उम्मीद करते हैं कि आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जी फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो है, मैं एक्चुअली ये कुछ प्राइवेसी होती है और कुछ जो है वो सिक्योरिटी इश्यू होते हैं, जिसकी वजह से ऐसी वीडियोज में बनाता नहीं, लेकिन कुछ दोस्तों ने कहा कि यार आप बना दें, क्योंकि आजकल के हालात थोड़े ख़राब हैं और कुछ ऐसी बातें जो मैं दोस्तों को बताया करता था, उन्होंने कहा आप वीडियो बना दें तो जो है वो और भी दोस्तों को जो है वो देखने को मिलेगा। तो आज जो है वो मैं आपको कुछ कैमराज दिखाने वाला हूँ जो आपकी सिक्योरिटी के काम तो आएंगे ही, लेकिन ये कुछ कैमराज ऐसे होते हैं कि आपको वो कैमराज इस्तेमाल करने ही पड़ते हैं, स्पेशली वो लोग जिन्होंने बिग बर्ड्स लगाए हुए हैं। बिग बर्ड्स जिन्होंने लगाए हुए हैं, जैसा कि रिंग नेक हैं, रा हैं, अफ्रीकन ग्रे हैं, मकाओ हैं, ककाटू है, अमेजोन, जितने भी बड़े बर्ड्स हैं, ये बेसिकली इतने समझदार होते हैं और जब ये बीमार होते हैं और बीमार होकर एक बर्ड जो है वो कॉर्नर में बैठा हुआ है, वो उसका जिस्म सूख रहा है या उसको कोई भी बीमारी है, लेकिन जैसे ही वो आपके कदमों की आहट सुनेगा वो एकदम एक्टिव हो जाएगा और जब आप उसके पास जाकर केजी केज में उसको ऐसे देखेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि वो बीमार है। तो इसके साथ साथ जो है और भी बहुत सारे जो हैं वो फ़ायदे हैं कैमरा लगाने के, जो जैसा कि उसकी एक्टिविटी को देखना। अफ्रीकन ग्रे की आदत होती है कि जैसे ही वो कदमों की आहट सुनता है वो ड्रम करके बॉक्स के अंदर चले जाता है और आपको लगता है केजेस खाली हैं, तो कैसे पता चलेगा कि उसकी एक्टिविटी क्या है, वो कैसे खा पी रहा है, क्या उसने मेटिंग की है, क्या वो आपस में बॉन्डेड है या नहीं है। क्योंकि अगर आप दो मेल भी एक केज में छोड़ देंगे, आप आएंगे तो वो बॉक्स में दोनों जंप कर देंगे। तो ये इन बहुत से बिग बर्ड्स की एक्टिविटीज़ को देखने के लिए हम कैमरास का इस्तेमाल करते हैं और कुछ स्पाई कैम जो हैं, जो कि पाकिस्तान में शायद कम लोग, मेरा नहीं ख्याल किसी ने इस्तेमाल किए होंगे, लेकिन मैं इस्तेमाल करता हूँ। ये जो स्पाई कैम्स होते हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो है हम बॉक्सेस के अंदर फिट कर देते हैं। इन कैमराज में जो है वो रात को देखने का भी होता है, अगर बिल्कुल अंधेरा है, नाइट विजन है, तो उसमें जो है ये भी हम इनकी बर्ड्स की एक्टिविटी को बॉक्स के अंदर देख लेते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि अगर जो हमारे पास प्रॉब्लम आ रही है, कि जैसे कि अक्सर बर्ड्स की आदत होती है कि अंडों को खा जाना, अक्सर बर्ड की आदत होती है बच्चों को मार देना, बच्चों को फीड करवा रहे हैं नहीं करवा रहे, इतने अग्रेसिव होते हैं, बॉक्स नहीं खोलने देते, बॉक्स खोलने तो और भी मसले मसाइल आते हैं, तो फिर हम जो है ये स्पाई कैम्स इस्तेमाल करते हैं परिंदों के लिए और हम इनके बॉक्स के अंदर फिट कर देते हैं इनकी एक्टिविटी देखने के लिए कि क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो मैं आपको कैमरा दिखाना चाहूँगा, जो भी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये एक बिग कैमरा है और ये मैंने जो है मुख्तलिफ कहाँ लगाए हुए ये तो नहीं आपको बता सकता, लेकिन ये जो है कैमराज मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये एक बिग कैम है और फुल नाइट विजन कैमरा है। ये जितने भी कैमरे हैं सब वाईफाई पे चल रहे हैं और ये जो है ये मेरे मोबाइल के साथ भी कनेक्ट हैं और मेरे घर में जो है एक LED में सारे इसके व्यूज़ आ रहे हैं। और मज़े की बात ये है कि ये जो है इनसे मैं बोल भी सकता हूँ और इनसे जो जो भी यहाँ पे आसपास लोग जो बातें करते हैं वो मैं सुन भी लेता हूँ, क्योंकि इसमें माइक और जो है स्पीकरफोन भी लगा हुआ है, तो इससे जो है वो मैं जो एक्टिविटी हो रही होती है उसको सुन भी सकता हूँ, देख भी सकता हूँ। और अगर मैं बात करना चाह रहा हूँ किसी भाई से जो यहाँ पे काम करते हैं, तो यहाँ से मैं वो मोबाइल से ही जो है इसका माइक ऑन करूँगा और मैं बात भी कर सकता हूँ। तो ये जो है ये बिग कैम सारे जो है ये मैंने लगाए एक दो जगह लगाए हुए हैं, ताकि मैं जो है वो अपनी कम्युनिकेशन भी कर सकूँ और प्रॉपर तरीके से वॉच भी कर सकूँ कि क्या हो रहा है। उसके बाद जो मेरे शेड में ज़्यादा कैमरे लगे हुए हैं, ये इस साइज़ के कैमरे, बहुत छोटे छोटे कैमरे हैं जो कि मैंने मुख्तलिफ जगह पे लगाए हुए हैं और यही ज़्यादा लगे हुए हैं। और इन कैमराज की खासियत ये है कि इसमें जो है वो अगर कोई ह्यूमन इसके कैमरे के आगे से गुजरेगा तो ये जो है वो ऑटोमेटिकली 20 सेकंड की रिकॉर्डिंग करेगा और मेरे मोबाइल पे भी पानी शुरू हो जाएगी, साथ साथ मेरे ईमेल पे भी मुझे ईमेल खुद से कर देंगे कैमरे। तो ये बेसिकली मैं काफ़ी साल पहले जो है वो अमेरिका से लेके आया था, लेकिन अब पाकिस्तान में भी ईजीली अवेलेबल हैं, आप यहाँ से किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से मंगवा सकते हैं। पता नहीं इसकी क्वालिटी कैसी हो कैसी, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन इन कैमराज की खासियत ये है कि ये एक तो वाईफाई पे चलते हैं, ये देखें वाईफाई पे चलते हैं, इसके लिए कोई वायरिंग नहीं करनी पड़ती। और इसके साथ साथ जो है इसमें जो है सेंसर्स लगे हुए हैं जो कि डिटेक्ट करते हैं कि कोई जैसे कोई एक्टिविटी हो वो चल जाती है, नाइट विजन है और बहुत से फंक्शंस हैं। तो ये जो है दूसरे जो मैंने तकरीबन 7-8 कैमरा जो है वो इस तरह के लगाए हुए हैं जो कि जो है वो पूरे शेड को मैं वॉच करता रहता हूँ। जी जनाब, ये कैमरा जो है ये 360 पे घूमने वाला कैमरा है, ये मुझे चारों तरफ जो है इसको मैं अपने मोबाइल से मूव कर सकता हूँ, ऊपर नीचे साइडों पे। ये बेसिकली बर्ड्स को देखने के लिए, अफ्रीकन ग्रे या दूसरे बर्ड्स को वॉच करने के लिए बनाया जाता है, क्योंकि
डेफिनेटली अगर सामने भी केजी लगे हुए हैं, इस साइड पे भी केजी लगे हुए हैं, ऊपर भी हैं, नीचे भी पोर्शन लगे हैं, कितने कैमरे लगाऊंगा? तो उससे बेहतर है कि ये जो कैमरा है कम से कम सामने वाले 3-4 केजीज को और बैक साइड पे 3-4 केजीज को मूव करता है। ये खुद खुद ही घूमेगा, ऐसे घूमेगा और मुझे यहाँ से व्यू देगा, यहाँ से व्यू देगा, और इसको अगर इस साइड पे घुमाना तो ये खुद खुद ही, ये जो बाउल है, ये बॉल है, ये खुद खुद ही घूमता है। और इसके अलावा जो है इसमें भी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नाइट विजन है, और इसके साथ साथ इसमें जो है वो ऐसे डिटेक्ट है कि अगर ये कैमरा ऑन है और सामने से अगर कोई गुजरा है तो खुद खुद ही जो है वो, अगर ह्यूमन जो है वो कोई एक्टिविटी हो रही है तो ये कैमरा खुद खुद ही उसको घूम के सेंस करने लग जाएगा और वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर देगा, जो कि मेरे मोबाइल पे जो है वो सेंड करते हैं और मेरे ईमेल पे भी। इसके अलावा ये देखिए, अगर आप पीछे देखें तो इसके स्पीकर है और स्पीकर लगा हुआ है, ये वही चीज़ कि इससे जो है यहाँ पे जो भी होने वाली एक्टिविटी है उसको सुन भी सकता हूँ और मैं अगर इससे बात करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। जी जनाब, अब आ जाते हैं स्पाई कैम की तरफ। स्पाई कैम पाकिस्तान में इस वक्त मेरा ख्याल है कि कोई भी इस्तेमाल नहीं कर रहा, और ये इतने छोटे कैमरे हैं कि आप देखें कि शायद ये 1.5 इंच का कैमरा है जो कि किसी को भी नज़र नहीं आ सकता, तो बर्ड क्या चीज़ है। यहाँ पे इसके जो है वो मेमोरी कार्ड लगता है और ये जो है ये USB से हम इसका डाटा भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इसको चार्ज भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये इतना छोटा कैमरा है कि हम कहीं भी इसको जो है बॉक्स के अंदर फिट कर दें। इसके पीछे जो है वो चिपकाने वाला भी होता है, इसका फ्रेम भी होता है, वो हम उसके साथ फिट कर देते हैं, इस कैमरे को ऑन कर देते हैं और सारी रात की रिकॉर्डिंग जो है वो एक छोटे से मेमोरी कार्ड में सेव होती रहती है, सुबह हम निकाल कर इसको देख सकते हैं। इसके अलावा जो स्पाई कैम होते हैं, स्पेशली अगर आपके पास वर्कर्स ज़्यादा हैं, वो आपके पास काम करते हैं, आपको लगता है कि यार कोई गड़बड़ है, कोई चोरी चोरी हो रही है, तो आप जो है ये स्पाई कैम छुपा कर लगा सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके वर्कर्स कहाँ चोरी कर रहे हैं। और बहुत अरसा पहले, कुछ साल पहले मैंने एक दो जो मेरे पास काम करता था उसको मैंने पकड़ा भी था ऐसे ही कि वो दाना चोरी करता था। तो ये स्पाई कैम्स की मदद से जो है आप बहुत से बर्ड की एक्टिविटी के साथ साथ अपने जो है वर्कर्स पर भी नज़र रख सकते हैं। तो ये जो कैमरा है ये स्पाई कैम है और बहुत ही ज़बरदस्त HD कैमरा है। तो इसके जो है अगर अब मैं जब इसकी फुटेज देखता हूँ तो बहुत कमाल की फुटेज होती हैं। इसकी रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, जितना बड़ा मेमोरी कार्ड होगा उतनी रिकॉर्डिंग करेंगे। इसके अलावा जो है नेक्स्ट कैमरे पे चलते हैं, ये भी जो है वो एक स्पाई कैम है और कुछ ऐसे बर्ड होते हैं जिनको ये भी कैमरा नज़र आ जाता है, तो ये कैमरा नहीं वो देख पाएंगे क्योंकि ये जो हिस्सा होगा ये बॉक्स से बाहर होगा और ये जो स्ट्रिप है बेसिकली ये स्पाई कैम होता है बटन में लगाने के लिए। मैं अंदर लगा लेता हूँ और यहाँ पे अगर बटन लगे हुए हैं तो इसके जो मैंने कैमरा बाय किया था इसका मैं आपको इनके डब्बे भी दिखाता चलूँ। ये डब्बे आप वीडियो में भी देख रहे हैं, ये जो है आपको इनको पता चल जाएगा कि क्या लिखा हुआ है। छोटे छोटे डब्बों में आते हैं, इंफ्रारेड वाटरप्रूफ कैमरे होते हैं ये, अगर इन पे पानी भी पड़ जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये बेसिकली इसके साथ जो है, जब मैंने ये बाय किया था, ऑनलाइन बाय किया था, इसके साथ मुझे बटन भी मिले थे कि अगर आपका कोट का बटन है, बड़ा बटन है, छोटा बटन है, तो ये जो है ये कैमरा उसमें फिट हो जाता है बेसिकली। लेकिन मेरा मकसद नहीं है कि मैं कोई ऐसी एक्टिविटी करूँ, तो ये जो है इतना सा हिस्सा जो है वो बॉक्स के अंदर चले जाता है ऐसे, और ये हिस्सा जो है ये बाहर आ जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर भी जो है वो मेमोरी कार्ड डलता है, ऑन ऑफ का बटन है और साइड पे इसको चार्ज करने के लिए भी और डाटा केबल भी है, जिससे जो है वो आप इसको जितने भी वीडियो क्लिप्स बने होंगे वो आप देख सकते हैं। तो ये जनाब थोड़े से कैमरे थे, एक दो और हैं वो नीचे पड़े हैं, वो मैं आपको दिखा नहीं सका। मज़ा, उम्मीद है कि आपको इन कैमरास को देख के बहुत मज़ा आया होगा और दिमाग में आइडिया क्लिक हो रहे होंगे कि यार ये कहाँ से मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जिन दोस्तों ने मेरे टिकटॉक अकाउंट को फॉलो नहीं किया, जनाब नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मेरे टिकटॉक अकाउंट को फॉलो कर लीजिएगा। और जिन दोस्तों ने मेरी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड होना है, जनाब मेरे मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, अपना नाम, अपने शहर का नाम, तो मैं आपको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर दूँगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।